भोगता है। आगो बाढ़वो बात करबो सेमगा के। सेमगा जनपद पंचायत अध्यक्ष वीणा आडेल और साथ में 15 जनपद सदस्य मन 3 दिन ले अनिश्चितकालीन हड़ताल में बैठे रहिन। अब जनपद ऑफिस ला ताला लगाए के ज्ञापन सौंपिन, तेकर बाद प्रशासन में हड़कंप मच गए। जिला कलेक्टर सुनील कुमार जैन हाँ तत्काल धरना स्थल में SDM DR रात्रे ला भेज के निराकरण के बात कहिस और SDM हाँ जनपद सदस्य मन ला मांग ला तत्काल पूरा करे के लिखित में आश्वासन दिस। और संज्ञान में लेते हुए जिला कार्यालय भेजा गया और जो जो इन्होंने 6 बिंदु में मांग किए थे तो 6 बिंदु मांग के उनके हिसाब से तत्काल जिला से आज ही जांच के लिए जिला स्तरीय प्रदर्शन के द्वारा जांच दल एक कमेटी बनाया गया है और त्वरित रिपोर्ट देने के लिए निर्देश दिया गया है। उस लेटर को हमने इनको दिए हैं और उस लेटर के लोग स्वागत किए हैं और कलेक्टर साहब का धन्यवाद दिए हैं तत्काल हमारे बेटर पे कार्रवाई हुआ है बोल के। महोदय के साथ बैठक के बाद आज 6 सूत्रीय मांगों की और सहमति जताई है, सहमति बनी है और समग्र विकास की जांच, 14वें वित्त की जांच के लिए जिला स्तर से जांच घोषित की गई है जिसका हम सब स्वागत करते हैं। सचिव मनहा जब तक ग्राम पंचायत में जो भी गलती करिए है और एक साथ साथ सहायक भी गलती करे हैं और गलती के नाम से ये मल्ला ऐसे मतलब वो रास्ता दिखाया जाए जिन ब्लॉक से बाहर रही या इकर मन के जो भी निर्णय मतलब हमर जत का SDM और CO और जनपद सदस्य जनपद अध्यक्ष जो भी यहाँ मीटिंग रही से वो भी इतने SDM आके बताई से कि ताकि जो भी गलती करे थे चाहे सचिव हो या सहायक हो जो भी गलती करता है या CC रोड का हो या कहीं का हो ये जो गलती करता है उसका निर्णय होना चाहिए और उसका सजा मिलना चाहिए। 3 दिन से बैठे हुए थे, आज कल हम लोग SDM साहब को ज्ञापन सौंपे थे कि यदि हमारी बात कल तक नहीं मानी जाएगी तो हम लोग जनपद कार्यालय में ताला दे देंगे करके, तब कलेक्टर महोदय के आदेशानुसार SDM साहब तत्काल हम लोग के पास आए और हम लोग को लिखित में शिकायत दिए हैं और हम लोग जो शिकायत किए थे उसके लिए जिला स्तरीय से जांच कमेटी बैठाई गई है और जब जांच समिति आएगी तो हम सभी को अवगत कराएगा कि इस दिन जांच समिति आई है, उस दिन आप लोग को साथ में लेकर चलेंगे और जो जो दोषी है उन पर कार्रवाई किया जाएगा करके आश्वस्त किए हैं। इसलिए आज हम लोग अपने धरना प्रदर्शन को अभी स्थगित किए हैं।